न्यू चैनल है। इस चैनल को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ उन स्टूडेंट्स उन बिगनर्स के लिए जिनको वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट फेज में बहुत बहुत डिफ़िकल्टी आती है। शुरू शुरू में तो मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से ये हुआ कि मेरे दिमाग में चीज़ें बैठती गई और बहुत अच्छे से मुझे समझ आने लगा। तो गाइस, जैसे आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट आपको बहुत इजी लगेगा। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना होगा, तो ये कोर्स हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस कोर्स में बेसिकली जो कंटेंट्स हमें कवर करने हैं वो ये हैं: HTML, CSS, कोरल ड्रॉ में हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी टच करेंगे, फोटोशॉप में हम लोग एडिटिंग करना सीखेंगे, बैनर्स बनाना सीखेंगे, और भी कुछ चीज़ें होती हैं एडिटिंग के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे, टूल्स उसके हम लोग सारे देखेंगे, वर्डप्रेस में हम लोग एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना सीखेंगे, PHP, चूँकि ये डेवलपमेंट का कोर्स भी है तो हम लोग PHP को भी टच करेंगे। वट इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड वाई वी स्टडी? बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है और हम लोग को क्यों ज़रूरी है इसको स्टडी करना? वेब डिज़ाइनिंग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वेब डिज़ाइनिंग एक वेबसाइट है, उसकी डिज़ाइनिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ताकि जो यूज़र हमारी वेबसाइट देखे, देखते साथ ही हमारा इतना इंटरेक्टिव इंटरफेस होना चाहिए, यूज़र को फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि वेबसाइट बनाने का मकसद क्या था। ये बेसिक रीज़न है कि हम लोग वेबसाइट की डिज़ाइनिंग किस वे में करते हैं, कितनी अच्छी करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग अपनी वेब डिज़ाइनिंग को इतना अच्छा करें कि यूज़र देखते साथ ही समझ आए कि ये वेबसाइट है किस बारे में, और दूसरी बात कि वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए यूज़र के लिए, बेनिफिशियंट होनी चाहिए यूज़र के लिए। वेबसाइट, अब वेबसाइट होती क्या है? अब वेबसाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं, इंडेक्स पेज होता है जो कि होम पेज भी होता है, अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, इसके अलावा भी पेजेस होते हैं, और इन पेजेस को हम लोग इंटरलिंक किसकी मदद से करते हैं? मेन्यूज़ और लिंक्स की मदद से। इस कोर्स के बाद आप लोग इस काबिल, बल्कि इससे भी अच्छे हो जाएंगे कि आप लोग एक वेबसाइट, एक खूबसूरत वेबसाइट डिस्प्ले कर सकें, बना सकें, और जिसमें हम लोग PHP भी यूज़ कर सकें। वेबसाइट डायनामिक हो तो और भी अच्छी बनती है, यूज़र को और इंटरेक्ट करती है। स्टैटिक वेबसाइट तो हम लोग सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए रखें तो बेहतर, लेकिन हमें प्रैक्टिस ही करनी चाहिए हमारी वेबसाइट डायनामिक हो। वेबसाइट इज असाइन विद अ डोमेन नेम, फॉर एग्जाम्पल www.dyson.com। लेआउट ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट की लेआउट में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? लोगो, हमारा लोगो, और हम लोगों ने लोगो ऐसा इंप्लीमेंट करना होता है कि हमारी वेबसाइट के साथ इंटरलिंक्ड हो। फॉर एग्जांपल डायसन कंपनी का अगर लोगो है, इसमें मोबाइल्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो हम लोगों ने इससे रिलेट करके ही लोगो रखना चाहिए, ताकि लोगो देखते ही, सबसे अहम किरदार भी लोगो का होता है वेबसाइट में, लोगो को देखते ही साथ ही यूज़र के माइंड में आ जाए कि हाँ, ये वेबसाइट इस बारे में है। नेविगेशन बार, हेडर, बैनर, यहाँ पे हम लोग स्लाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं। साइड बार, बॉडी एरिया में हम लोग अपना सारा कंटेंट रखते हैं। फुटर में हम लोग लिंक्स भी अप्लाई करते हैं। हाउ टू मेक अ वेबसाइट हम लोग बेसिकली बनाएंगे कैसे? अ वेब पेज इज़ प्राइमरली अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। HTML इज़ बेसिकली आ बिल्डिंग ब्लॉक टू डिस्प्ले आ वेब पेज। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए HTML बहुत अहम किरदार अदा करता है। HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी आप ये सिर्फ थ्योरी पढ़े, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बेसिकली इसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली अभी आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ें हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML एलिमेंट्स में आते हैं हमारे टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। डिफरेंस बिटवीन वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डिवेलपमेंट।
वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों अलग अलग फेज़ होती हैं, लेकिन अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया, आप लोगों ने प्रैक्टिस की, तो यकीन जानिए आप लोगों के लिए वेब डेवलपमेंट भी कोई मुश्किल फेज़ नहीं है। फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग फॉर इंटरेक्टिव वेब पेज, बैक एंड डिज़ाइनिंग फॉर इंटरेक्टिव वेब पेज रिक्वायर्स ग्राफिक डिज़ाइन नॉलेज, रिक्वायर्ड कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डिवेलपमेंट फेज़ है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्लाई तो होगी, इसमें हम लोग PHP यूज़ करेंगे। ईजी टू लर्न, हार्ड टू लर्न, नॉट येट, बट अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया, अगर आप लोगों ने वाकई सीखनी है PHP, तो यकीन करें आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ईजी टू इम्प्लीमेंट, हार्ड टू इम्प्लीमेंट, बट यू नीड प्रैक्टिस। मुझे भी पहले बहुत मुश्किल लगी थी वेब डिज़ाइनिंग जो मेरे शुरू शुरू के दिन थे, लेकिन मैंने जब देखा कि ये इतनी अच्छी लैंग्वेज है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मेरा वेब पेज हो, तो मुझे इतना इंटरेस्ट होने लगा। मैंने इसमें एक चीज़ इम्प्लीमेंट की, वैसी आई, फिर मैंने चाहा कि इसमें मैं चेंजेस करके देखूं, वो चेंजेस अप्लाई, तो मेरा दिल किया कि मैं पूरी एक वेबसाइट बनाऊं जिसमें मेरे हिसाब से चीज़ें हों। तो आपको भी ये कोर्स बहुत अच्छा लगेगा, बस आपने इंटरेस्ट लेना है, प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डू, ये हमारा ट्यूटोरियल 2 होगा जिसमें हम लोग देखेंगे, मैंने जैसे आपसे कहा था HTML के बारे में, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मैट। आज के लिए इतना ही, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वेब डिज़ाइनिंग की, होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या मुश्किल आ रही है। मैं फिर वैसे ही वीडियो बनाऊँगी, ट्यूटोरियल बनाऊँगी उसके मुताबिक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।